जो भी मित्र दल है, जो सपोर्टिंग पार्टीज है, जो सरकार के अंदर है, वो सब कह रहे हैं कि हमारा विरोध है और हमें पूछा नहीं। तो ये मौखिक विरोध करना बंद करो, या तो कहो कि हम सत्ता के लिए इनके साथ ही हमेशा बंधे हैं और सात फेरे इनके साथ हमने लिए हैं, बता दो। लेकिन लोगों को मूर्ख मत बनाओ। यहां कहोगे कि हमारा विरोध है लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए ये भी नाटक नहीं चलता ज्यादा। तो ये जो सरकार कह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी ने ये कहा था कि 6 सिलेंडर दे दो, ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए अब दिल्ली सरकार ने ये कहना कि हम 9 देंगे, ये सब नाटक है। इसको मूल निर्णय को ही रद्द करना चाहिए। हाँ, समाज के बहुत अमीर वर्ग है, उनको ये सहूलत मत दो, ये अलग चीज है। लेकिन गरीब को 6 राशन पर मिलेंगे और 6 वो काला बाजार से लेगा, ये कोई व्यवस्था नहीं होती। केंद्र सरकार का फैसला ही गलत है, वो वापस लेना चाहिए। और केंद्र सरकार का जो डीजल की बढ़ोतरी है पैसे की, वो गलत कारणों से और गलत है। और इसलिए वो, हाँ, जब केंद्र सरकार खुद टैक्स कम करेगी, केंद्र के टैक्सेस कम करेगी, और वो राज्यों को कहेगी कि भाई आप भी थोड़ा, एक कदम हम चलते हैं, एक कदम आप चलो, ऐसा नहीं कह रहे, वो कहते हैं हम 2 कदम पीछे जा रहे हैं, आप 1 कदम आगे चलो, ऐसा थोड़ा ही ना होता। ये तो फर्स्ट फेज है, जस्ट गोइंग राजभवन में जाकर और राजभवन के सामने प्रदर्शन करना वगैरह, ये एक उसका पहला हिस्सा है। 20 तारीख का बंद, उसका एक जोरदार मास एक्शन है।